हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विस। और स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे आज तीन डिस्ट्रिक्ट जो कवर करने वाले हैं, तीन डिस्ट्रिक्ट आई मीन टू से हम तीन स्टेट कवर करने वाले। एक रहेगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा रहेगा मध्य प्रदेश, देन थर्ड वन रहेगा आपका कौन सा बताइए थर्ड कौन सा जो टच करता है राजस्थान को, वो है गुजरात। गुजरात के नियरली सिक्स डिस्ट्रिक्ट से जो टच करती है उनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले। और जो आपका ये बॉर्डर, जितनी भी ये बाउंड्री है, जो बॉर्डर्स लगते हैं राजस्थान के साथ, उससे रिलेटेड ये सारा जो आपका टॉपिक है एक ही यहाँ पे मैं स्लाइड्स में शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किए। देन उसके बाद हमने जो इंडिया के अंदर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जितने भी स्टेट्स हैं जिनसे पास होता है, हमने कवर किया गुजरात से लेकर के लास्ट यहाँ पे जो मिजोरम है, यहाँ तक हम ये ऑलरेडी पॉइंट देख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियोस देखनी है ऑलरेडी आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है राजस्थान ज्योग्राफी की उसके अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ये राजस्थान का मैप है, इसके अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आती है, इसके लिए हम ऑलरेडी डेडिकेटेड लेक्चर आपको दे चुके हैं। उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछी जाती है आरएएस के एग्जाम में, कि 21 जून देन आपका 23 सितंबर, कहाँ गया भाई 23 सितंबर, जब आपके डे और नाइट सेम होती है, ये रहा आपका 23 सितंबर, और 21 मार्च को ये डे एंड नाइट आपके इक्वल रहते हैं, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या देखा था, कि जो राजस्थान की एक्सटेंशन है, टोटल कितनी बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री आती है 5920 किलोमीटर, और उसमें से 1070 आपकी कौन सी है इंटरनेशनल बाउंड्री है, और उस इंटरनेशनल बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और जो ये रेड क्लिफ लाइन है उसकी एक्चुअल जो लेंथ है वो कितनी है 3310 किलोमीटर है। और अगर हम यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन की बात करते हैं कितने स्टेट्स के साथ टच करती है, तीन स्टेट्स के साथ टच करती है और दो यूनियन टेरिटरी जिसके साथ टच करती है। अनाउंस कब हुई है ये, 17 अगस्त 1947 को अनाउंस हुई है। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा स्पीड लग रहा है, ये रिवीजन पार्ट है, ठीक है, लेक्चर आगे बहुत ये स्लो डाउन होगा, उसकी टेंशन मत लो कि सर आपने तो एक ही मिनट में इतनी सारी स्लाइडें कवर कर दी, बिकॉज इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक एक लेक्चर ले चुके हैं पर स्लाइड, मतलब एक लेक्चर में एक से दो स्लाइड हम कवर कर चुके हैं और डिटेल्स डिस्कशन हुआ है, ये जस्ट रिवीजन पार्ट है। इसके बाद ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया तीन स्टेट और दो यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी कौन सी है आपकी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जब भी अगर आपका ये पोर्शन का जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड आता है तो यहाँ पे जो हमारा पहले टेम्परेरी आर्टिकल था आप उससे रिलेटेड भी जो अगर आपको इन्फॉर्मेशन है ओके, अगर नहीं है तो आप रिसर्च कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 35A, ये किस चीज़ से डील करता है, राइट, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, और क्या क्या चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, रेड क्लिफ लाइन की लेंथ कितनी है, टोटल राजस्थान के कितने पार्ट, मतलब टोटल लेंथ कितनी है जो राजस्थान को टच करती है, और टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स है जो राजस्थान की टच करती है, स्टार्ट होता है कहाँ से, गंगानगर जिसकी लेंथ है, रेड क्लिफ लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, 210 किलोमीटर, गंगानगर हो गया आपका 210 किलोमीटर। उसके बाद कौन सा टच करता है, बीकानेर, बीकानेर की आती है 168 किलोमीटर। उसके बाद कौन टच करता है, उसके बाद टच करता है जैसलमेर, जैसलमेर की है 464, लास्ट में आता है आपका बाड़मेर, बाड़मेर की है 228, ठीक है, ये किलोमीटर लेंथ है जो कि टच करती है एज ए रेड क्लिफ, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 1070, और इसका नाम क्यों आया, ये सारी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसलमेर वगैरह सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है रेड क्लिफ लाइन, हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है और बाड़मेर के बागल विलेज में जाके ये खत्म होती है। इसके बाद अगर हम देखें, ये सारी मैंने आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी जो शेयर किए वो इस स्लाइड के ऊपर मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, हाँ, यहाँ से हमने क्या देखा था कि कौन कौन थे मेंबर, जस्टिस मेहर चंद एंड देन तेज सिंह, जो कि रेड क्लिफ जो लाइन खींची जा रही थी उस कमीशन के पार्ट थे, ओके, एंड ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। पंजाब के कितने प्रोविंस लगते हैं, पंजाब के लगते हैं, जो पंजाब प्रोविंस है उसकी तीन डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, और जो आपकी नेक्स्ट आती है सिंध प्रोविंस उसकी कितनी डिस्ट्रिक्ट लगती है, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट लगती है। ये जो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं ये सिर्फ सिर्फ राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, पंजाब की तीन कौन सी है, भावलनगर, भावलपुर और रहीमा खान, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, सिंध की, सिंध के अंदर आती है घोटकी, सुकर, खेरपुर और सांगर, उमरकोट, और लास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था जो थारपारकर है, वो एक एग्जाम्पल है, एक टाइप की ब्रीड भी मिलती है राजस्थान के अंदर, वहां से भी आप ये नाम क्या कर सकते हो, कनेक्ट करके याद रख सकते हो। इसके बाद अच्छा, ये मैंने हर एक स्लाइड के बाद मैप इसलिए रखा है क्योंकि इस मैप का यूज हुआ है एक्सप्लेनेशन में, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पास ऑन कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं किसकी बात करूँ, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, ये हो गया राजस्थान, राजस्थान के किन किन स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगती है, सबसे ऊपर कौन सा आता है आपका पंजाब, पंजाब के साथ सबसे छोटी है 89 किलोमीटर की, दो ही डिस्ट्रिक्ट लगती है पंजाब की और हरियाणा की भी, राजस्थान की, राजस्थान की दो डिस्ट्रिक्ट कौन सी, गंगानगर और हनुमानगढ़,
पंजाब की कौन सी है, फाजिलका और मुक्तसर साहिब। उसके बाद आती है हरियाणा, हरियाणा की भी सात लगती है, और राजस्थान की भी कितनी डिस्ट्रिक्ट लगती है, सात डिस्ट्रिक्ट लगती है। हनुमानगढ़ से स्टार्ट करो और भरतपुर तक हम जाते हैं, तो ये आपकी सात डिस्ट्रिक्ट है, किसकी लगती है, राजस्थान की। और अगर हम हरियाणा की देखें, हरियाणा की आपके महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, दादरी, ये सारी आपकी सात डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर को आते हैं, मेवात भी उसका पार्ट है। ये पर्टिकुलर लोकेशंस बताई गई है। अगर मैं नदन की बात करूँ, नदन में यानी कौन आ जाएगा आपका, पंजाब, ठीक है। इस तरीके से ये सारी मेंशन है साउथ ईस्ट में, ईस्ट साइड में और साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में आपको मिलेगा गुजरात और साउथ ईस्ट के अंदर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, जो कि टच करता है। इसके बाद पंजाब की स्टडी हो चुकी है हमारे, ऑलरेडी मैं बताई दिया है, 89 किलोमीटर लेंथ है। और फाजिलका और मुक्तसर, ये हमने अभी जो रिसेंट लेक्चर आपने देखा है, लास्ट लेक्चर के अंदर यही पॉइंट कवर किए। ये प्रिसाइज लोकेशन है किसकी, पंजाब की, ठीक है। ये हो गया गंगानगर और ये हो गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की पूरी जो बॉर्डर है टच नहीं करती है किसको, पंजाब को, ठीक है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। हरियाणा की ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, फतेहपुर नहीं है, फतेहबाद और मेवात, ये जो डिस्ट्रिक्ट है टच करती है, सेवन डिस्ट्रिक्ट है किसकी, राजस्थान को टच करने वाली हरियाणा के। हरियाणा के साथ कौन सी टच होती है, हनुमानगढ़। अगर हम अच्छा इसके तो आगे मैप मैंने लगा रखा है, ये हो गया हनुमानगढ़, ये हो गया चूरू, ये हो गया झुंझुनू, ये हो गया सीकर, जयपुर, अलवर एंड ये हो जाता है भरतपुर। भरतपुर कम्प्लीटली टच नहीं करता है उसका, ये यहाँ तक का टच करता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सेवन डिस्ट्रिक्ट किसकी हो गई आपकी, हरियाणा के साथ टच करती है। हरियाणा की भी सेवन है और राजस्थान की भी सेवन है, इक्वल इक्वल लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो आज हमारा जो काम स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने नियरली 6 मिनट के अंदर जितने भी हमने पिछले 5 लेक्चर कवर किए हैं उनको रिवाइज कर लिया है विद इन 5 मिनट में। उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, 2 ही डिस्ट्रिक्ट लगती है। तो राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, राजस्थान की भी 2 ही डिस्ट्रिक्ट लगती है। बहुत ईजी है डिस्ट्रिक्ट के नंबर को याद करना, पंजाब की 2 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान की 2 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा की 7 डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा की 7 डिस्ट्रिक्ट है और राजस्थान की भी 7 डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट मथुरा और आगरा एंड धौलपुर, और दूसरा कौन सा है, भरतपुर, ये रहा भरतपुर जो कि टच करता है किसको, उत्तर प्रदेश को। लेंथ कितनी है, 877 किलोमीटर है। और हाँ, यहाँ पे अगर मैं राजस्थान के साथ जो हरियाणा की लेंथ की बात करूँ, ये है आपका 1262 किलोमीटर, ठीक है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से याद करनी पड़ेगी आपको। ये हो गया आपका धौलपुर और यहाँ से ये हो गया आपका कौन सा, भरतपुर आता है ये, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। ये हो गया भरतपुर और ये हो गया धौलपुर, ठीक है। और यूपी का कौन सा है, यूपी के है मथुरा और आगरा जो कि टच करते हैं राजस्थान को। लेंथ कितनी है, लेंथ आ जाएगी आपकी 877 किलोमीटर जो कि टोटल लेंथ है, टच करती है उत्तर प्रदेश की। इसके बाद चलते हैं, देखो उत्तर प्रदेश में इतना ही है, इससे इंपॉर्टेंट आते हैं आपके मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में 10 लगते हैं और जो गुजरात है उसके 6 लगते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, धौलपुर से। तो इट मीन्स यहाँ पे मेन क्या चीज़ है, जो धौलपुर है, मेरी ये लाइन आगे तक चली गई है, यहाँ तक रहता है उत्तर प्रदेश के साथ, यानी कि धौलपुर किस किस को टच करता है, उत्तर प्रदेश को भी और मध्य प्रदेश को भी टच करता है धौलपुर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाती है और स्टेट बाउंड्री भी बनाती है, और ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो 2 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। आगे आएंगे वो सारी चीज़ें। मध्य प्रदेश के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट टच होती है, 10 डिस्ट्रिक्ट टच होती है, और किलोमीटर कितनी है, 1600 किलोमीटर है जो कि टच करते हैं राजस्थान के, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंद, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। एक बार मैप में देख लेते हैं ये सारी लोकेशन कहाँ पर आती है। ये हो गया आपका कौन सा, धौलपुर। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला पोर्शन कौन सा है, बताओ 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 कौन सा है। ये हो गया आपका सवाई माधोपुर, ये हो गया करौली, और उसके बाद ये हो गया कोटा, ये हो गया बारा, ये हो गया झालावाड़, ये हो गया चित्तौड़गढ़, ये हो गया आपका भीलवाड़ा, बिल्कुल जरा सा पोर्शन टच करता है भीलवाड़ा का, ठीक है। नेक्स्ट ये भी किसका पार्ट है, चित्तौड़गढ़ का। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो एक से ज्यादा जगह पे लोकेटेड है। एक तो आ जाती है आपकी चित्तौड़गढ़, दूसरी आ जाती है आपकी एक यहाँ पे अजमेर की लोकेशन है, और एक ये है अजमेर जो कि सिचुएटेड है किसके पास, बिल्कुल जयपुर को टच करता है, ये नागौर है, नागौर को टच करता है, पाली को टच करता है जयपुर, नॉट जयपुर,
पाली को टच करता है अजमेर, ठीक है, और ये हो गया आपका टोंक, ठीक है, टोंक को भी टच करता है, जयपुर को भी टच करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस किस को टच करती है, राइट। नेक्स्ट ये हो गया आपका प्रतापगढ़, ठीक है, और ये हो गया आपका बांसवाड़ा। तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, कौन से धौलपुर देख लिया हमने, करौली देख लिया, सवाईमाधोपुर, कोटा भी देख लिया, बारन हो गया, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और बांसवाड़ा हो गया। ये है आपके टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट जो कि टच करती है किसे, मध्य प्रदेश को। और तो मध्य प्रदेश की कौन सी है, मध्य प्रदेश की है झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, गुना और शिवपुरी, राइट। शिवपुरी आपको कहाँ पे मिलेगी, हिमालयन जो पार्ट है वहां पे भी शिवपुरी लोकेशन है। नेक्स्ट आता है आपका अगरवाल, नेक्स्ट आता है आपका मोरेन, देन आता है आपका श्योपुर। ये आपकी 10 लोकेशन है किसकी, ये 10 लोकेशन है मध्य प्रदेश की जो कि टच करती हैं किसे, ये टच करती हैं राजस्थान को। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इनको, सबसे पहले आता है आपका रतलाम, देन आता है झाबुआ आता है, सबसे पहले झाबुआ, रतलाम, फिर उसके बाद मंदसौर, फिर उसके बाद नीमच, फिर उसके बाद राजगढ़, फिर उसके बाद गुना, फिर उसके बाद शिवपुरी, फिर उसके बाद ये कौन सा है अगर मालवा, ठीक है, अगर मालवा, फिर उसके बाद आता है मोरेन, फिर उसके बाद आता है श्योपुर। ये टोटल 10 है। देखो ये नाम आपको माइट भी ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन जब तक हम कहाँ पे पहुंचेंगे, ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर पहुंचेंगे, ये नाम मल्टीपल टाइम आएंगे, जैसे झाबुआ आ गया, रतलाम हो गया, श्योपुर हो गया, शिवपुरी हो गया, ये नाम मल्टीपल टाइम आएंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। इतनी टेंशन मत लो कि सर इतने सारे नाम याद कैसे करने हैं, ईजिली हो जाते हैं, मल्टीपल टाइम रिविजन करो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आगे पढ़ लेना, ईजिली आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन वेरी इजीली यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, क्या जो बूंदी है टच करती है मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट को, बताओ क्या बूंदी टच करती है मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट को। एक बार मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच हो रही है, यहाँ पे एक मिनट मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये जूम नहीं होगा मेरे ख्याल से, एक मिनट, हाँ अब हो जाएगा ये जूम, अब क्लियर विजिबल है। यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, भीलवाड़ा की, ये है आपकी प्रिसाइज लोकेशन किसकी, भीलवाड़ा की। और अगर थोड़ा सा आगे जाओ, ये भी किसकी बॉर्डर है या फिर किसकी बाउंड्री है, ये भीलवाड़ा की है, लेकिन जो बूंदी है, बूंदी आपका यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, इजिली आपको डिमार्केट हो जाएगा, बूंदी आपका यहाँ तक आके रुक जाता है, इट मीन्स बूंदी क्या नहीं करता, बूंदी मध्य प्रदेश को टच नहीं करता, ये आपको मैप में शो किया, यही बस यहाँ पे रिटर्न में मेंशन है, जो बूंदी है किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, बिल्कुल। उसके बाद जो कोटा है, कितनी बार बाउंड्री बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, 2 बार, एक बार देख लेते भाई कैसे 2 बार बनाता है ये, एक मिनट इसका साइज एक बार रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। देखो ये जो पोर्शन है, एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइम जो टच हो रहा है, और उसके बाद एक यहां से टच हो रहा है कोटा, ठीक है, यहाँ पे भी कोटा टच किसको कर रहा है, मध्य प्रदेश को, और यहाँ पे भी कोटा किसको टच कर रहा है, मध्य प्रदेश को टच कर रहा है। तो इस तरीके से जो कोटा है कितनी बार टच करता है राजस्थान को, 2 बार टच करता है। नेक्स्ट सवाईमाधोपुर और जो बारह के बीच में है, ये मैंने लोकेशन बता दी कहाँ कहाँ टच करता है, और दूसरा झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में जो लोकेशन है, यानी ये जो मैप में हमने अभी डिमार्केट की है, ये हो गया आपका सवाईमाधोपुर, ठीक है। आई थिंक मैंने पिछले मैप में ना इसको वो बोल दिया करौली, वो थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ये हो गया 12, इसके बीच में ये लोकेशन, और दूसरी लोकेशन है झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, इसकी बीच की ये लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम किसकी बात करें, गुजरात की, गुजरात की कितनी डिस्ट्रिक्ट है जो कि टच करती है, 6, और राजस्थान की कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 6, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। एक बार इसको मैप के अंदर देख लेते हैं, ये हो गई आपकी बाड़मेर, ये हो गया आपका जालौर, ये हो गया आपका सिरोही, और ये हो गया आपका उदयपुर, ये हो गया आपका डूंगरपुर, और ये हो गया आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कंप्लीट टच नहीं करता है, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन किसे टच करता है, मध्य प्रदेश को भी टच करता है। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई है राजस्थान की, 6 डिस्ट्रिक्ट है। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, बाड़मेर सबसे छोटा पोर्शन टच करता है बाड़मेर का, क्योंकि बाड़मेर किसके साथ अपनी मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है, ये मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है, अगर मैं रेड क्लिफ लाइन की बात करूँ 228 किलोमीटर लेंथ जो है शेयर करता है।
देन आता है आपका ये कौन सा है, हाँ जालौर, उसके बाद आता है आपका, एक मिनट, जालौर ये है, ये हो गया सिरोही, उदयपुर, देन आपका आता है डूंगरपुर, और उसके बाद ये सबसे लास्ट में है बांसवाड़ा। और अगर यहीं पे हम देखें जो गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात की कौन सी सबसे पहले आएगी, बनासकांठा, ठीक है। बनासकांठा के ऊपर काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई है, क्योंकि बनासकांठा के पास एशिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव फार्मिंग इंडस्ट्री है, यानी डेयरी है वहाँ पे। प्रिसाइजली अगर हम बात करें, यानी अमूल के पास जितना भी प्रोडक्शन आता है उसका मैक्सिमम जो चंक है कहाँ से आता है, बनासकांठा की डेयरी से आता है, राइट। बनासकांठा में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी वास्ट एरिया के अंदर फैली हुई है, और इसकी डॉक्यूमेंट्री भी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, देख के एक बार आपको बहुत सा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से वो कोऑपरेटिव के पैसे को 85% से ज़्यादा जो पैसा है वो दोबारा से किसको देते हैं, फार्मर को देते हैं, या फिर जो डेयरी ओनर होते हैं जिनसे वो मिल्क परचेज करते हैं, और जो रेस्ट ऑफ 14 है उसी को वो आगे इन्वेस्ट करते हैं डेयरी को आगे फर्दर एनहेंस करने के लिए। उसके बाद आता है आपका साबरकांठा, बनासकांठा के बाद कौन सा है, साबरकांठा, नेक्स्ट अरावली, देन माही सागर, इसके ऊपर एक हम प्रोजेक्ट भी पढ़ेंगे, माही बजाज सागर डैम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका धौंद, फिर उसके बाद आता है कच्छ, कच्छ में भी आपके दो आते हैं, एक होता है रण ऑफ कच्छ और एक होता है लिटिल रण ऑफ कच्छ, ये आ चुका है ऑलरेडी आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस में, क्योंकि उसमें इनडायरेक्टली आया था कि रण ऑफ कच्छ के अंदर कौन सी स्पीसी और लिटिल रण ऑफ कच्छ के अंदर कौन सी स्पीसी है, ओके। तो ये आपके थे टोटल पांच डिस्ट्रिक्ट है, नॉट पांच डिस्ट्रिक्ट, बार बार डिस्ट्रिक्ट आ रहा है इतने सारे डिस्ट्रिक्ट को पढ़ने के बाद, टोटल पांच स्टेट है जो कि टच करते हैं किसको, एंटायर राजस्थान को टच करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम और बेसिक इन्फॉर्मेशन से वो देख लेते हैं, कौन सा पोर्ट है नियरेस्ट पोर्ट राजस्थान के, वो है कांडला पोर्ट, और टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 25 डिस्ट्रिक्ट है जो कि सिचुएटेड है, जो या तो इंटरस्टेट बॉर्डर बनाती है या फिर क्या करती हैं, या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें हनुमान, जो हनुमानगढ़ है किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दो डिस्ट्रिक्ट किसकी हैं, मतलब ऐसे यहाँ पे हम वो पॉइंट देख रहे हैं जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो दो स्टेट्स को या फिर एक इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर स्टेट बाउंड्री इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है आपका हनुमानगढ़, किनको टच करता है, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद आता है आपका भरतपुर, भरतपुर किसको टच करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को टच करता है। उसके बाद आता है आपका धौलपुर, धौलपुर किसे टच कर रहा है, धौलपुर आपका टच करेगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, यह हम जब डिस्कस कर रहे थे मैप में उसी टाइम आपको मैंने बता भी दिया था। उसके बाद कौन सी है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा किसको टच करती है, अगर मैं यहाँ पे सदर्न साइड की बात करूँ, सदर्न साइड में आपको कौन से मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, दूसरा मिलेगा आपको गुजरात, राइट। उसके बाद ऐसी कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट है जो कि इंटरस्टेट बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर पे प्रेजेंट है, सबसे पहली आई थी आपकी गंगानगर, गंगानगर आपकी किसके साथ शेयर करती है, मैंने आपको बताया था गंगानगर शेयर करती है पंजाब और पंजाब प्रोविंस, ठीक है, क्या कॉइंसिडेंस है, पंजाब एंड पंजाब प्रोविंस के साथ टच करते हैं, पंजाब प्रोविंस हो गया किसका, पाकिस्तान का, पंजाब स्टेट हो गया इंडिया का, मेंशन है यहाँ पे। नेक्स्ट, अच्छा पंजाब प्रोविंस से कन्फ्यूजन हो रही तो आप डायरेक्टली पाकिस्तान भी बोल सकते हैं। अभी लास्ट की स्लाइड में मैंने आपको बताया जो बाड़मेर है वो बिल्कुल जरा सा पार्ट टच करता है किसको, गुजरात को, और बाकी जो मेजर चंक है 228 किलोमीटर का किसको टच करता है, वो पाकिस्तान को टच करता है, राइट। तो ये आपके मेजर जो पोर्शन है बाउंड्री से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, वो सारे टेक केयर किए जा चुके हैं। इसके बाद कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मल्टीपल यहाँ पे ना डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए होंगे, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी है स्टेट्स को टच करती है और कौन सी स्टेट्स को टच नहीं करती। तो एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी स्टेट को टच नहीं करती है। एक तो ये हो गई आपकी, कौन सी है ये, नागौर, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी है, बिल्कुल सही, जयपुर, राइट, ये जयपुर है। सोच के बताओ, ये है आपके जोधपुर, मैं कलर चेंज कर रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। जोधपुर के बाद नीचे कौन सी है, जोधपुर के जस्ट टच में ये है पाली, ये भी किसी के साथ कोई भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती है, ना स्टेट ना फिर इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। उसके बाद ये कौन सा है, ये आता है आपका अजमेर, अजमेर भी किसी के साथ कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है। यहाँ पे जब भी हम किसकी बात करें बाउंड्री, यानी हम इंटरनेशनल और इंटर स्टेट इसकी बात कर रहे हैं। अब ये मत कह देना सर ये आपस में तो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, हाँ इतनी कॉमन सेंस लेके चलो। नेक्स्ट टोंक, टोंक भी किसी के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आता है बूंदी, बूंदी भी किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है।
नेक्स्ट आता है आपका दौसा, ठीक है, दौसा भी किसी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो एक बार काउंट कर लें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये है बीच में जिसको हम बोलते हैं राजसमंद, ये हो गया आपका 8। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है जो कि आप बोल सकते हो लैंडलॉक है, किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ टच नहीं होती है। तो ये हो गई आपके लैंडलॉक, बेसिकली वर्ड गलत यूज कर लिया, लैंडलॉक होते हैं जो किसी भी सी को या फिर वाटर बॉडी को टच ना करता हो, ठीक है, ओशन को टच ना करता हो। ये हो गया आपका कौन सा, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद और ये हो गया अजमेर। नेक्स्ट अजमेर के बाद बताओ 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 ग्रीन कलर में कौन सा है, टोंक, टोंक के नीचे आता है बूंदी और ये हो गया आपका दौसा। तो यहाँ पे आपके तकरीबन तकरीबन जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं और ये जितने भी पॉइंट्स हैं अब आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ राजस्थान, यानी आज की डेट में जो राजस्थान है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो राजस्थान है वो कैसे आया, उसके पीछे कौन सी कमेटीज है, वो सारी हम पढ़ेंगे आपके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यानी यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हमने कवर की हैं ये आपकी एकदम गो थ्रू कर लेना, बाय हार्ट होनी चाहिए। कभी भी हम आपसे एक सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं, सर ऑनलाइन सरप्राइज टेस्ट, अरे क्लास में वैसे ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मिल गया क्लास में आते किस चीज़ का टेस्ट हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पढ़ते रहो, जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो, अदरवाइज बोलोगे सर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, स्ट्रेस हो रहे हो, हाँ स्ट्रेस नहीं लेना, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। तब तक मेरी तरफ से सब किसी को नमस्ते।